हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। होपफुली आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। सो आपके प्रिपरेशंस को और बेटर करने के लिए हमारी ये जो वीडियो है ये रिवर्स सिलोजिज्म पे है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है IBPS PO के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेंगे कि कैसे हमें क्या सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं goldencareer.co.in। वहाँ से आपको सारी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगी, और अगर आपको कोई यूज़फुल एड्स दिख जाएँ उसमें तो आप उसे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमेशा हमें नीड रहेगी। सो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम टेबल इज प्लास्टिक, सम टेबल इज प्लास्टिक। अब ये देखिए, ये रिवर्स सिलॉजिज्म है। तो रिवर्स सिलॉजिज्म पे क्या होता है ना कि आपको कंक्लूजन तो दिया रहता है, आपको उसके बेसिस पे आपको स्टेटमेंट सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गिवन वो उनमें से सही होगा, ठीक है। आपको ये दो कंक्लूजन दे दिए, अब आपको इन सारे कंक्लूजन में से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा कंक्लूजन इनमें सही होता है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो अगर कभी भी सेंटेंस में सम या और आए, सम या ऑल आए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंसेस में नो, नॉट, नेवर ऐसी चीजें आए तो वो क्या हो जाएंगी, वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंसेस, अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है ना, अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन्स पॉजिटिव होते हैं तो स्टेटमेंट्स वही वाले होने के, सही होने के चांस है जिसमें सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है ऑल टेबल, यहाँ पे भी ऑल है, यहाँ पे भी ऑल है, यहाँ पे सम है, तो इसमें सारे देखिए जो हमारे ऑप्शन हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही होने का चांस है। ये हम चेक करेंगे कि ये सही होगा कि नहीं। जिनमें नो नो आ जाएगा कहीं पे भी, वो वाले जो सेंटेंसेस है वो हम छोड़ देंगे, वो वाले स्टेटमेंट्स। अगर हमारा नॉर्मल सेंटेंसेस है जिसमें नो नहीं है, जो पॉजिटिव हमारे स्टेटमेंट्स है उनमें से अगर हमें आंसर नहीं मिलता है तब हम नेगेटिव सेंटेंसेस चेक करेंगे। कब, जब कंक्लूजन जो है हमारा दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है तब, ठीक है। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में देखिए, ऑल टेबल इज चेयर, सम चेयर इज बेंच, ऑल बेंचेस आर प्लास्टिक, इसमें कहीं पे भी नो नहीं है, तो हम ये वाला भी चेक करेंगे, ये वाला भी चेक करेंगे। फिर इस टेबल पे क्या, इस वाले क्वेश्चन पे क्या आ जा रहा है, नो टेबल इज चेयर, ठीक है, ऑल चेयर। अब इसमें नो आ गया ना, तो अब ये वाला हम लोग अभी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, इसको चेक नहीं करेंगे। इस वाले में भी देखिए, इसमें भी नो आ जा रहा है, तो हम ये वाला स्टेटमेंट भी अभी छोड़ेंगे। अगर हमारे बाकी तीनों में से आंसर नहीं आएंगे तो हम इन दोनों को चेक करके देखेंगे। अब क्या कह रहे हैं, ऑल टेबल इज चेयर, यहाँ पे ऑल चेयर आर बेंच एंड ऑल बेंचेस आर प्लास्टिक। अब देखिए, जब भी हमारे पास यहाँ पे जो कंक्लूजन है ना, ये डेफिनेट कंक्लूजन है। डेफिनेट कंक्लूजन कैसे है, डेफिनेट कंक्लूजन इसलिए है क्योंकि देखिए ये लोग स्पेसिफिकली आपको क्या कह रहे हैं, आपको एक चीज बता दी गई है यहाँ पे, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बता दिया गया कि सम टेबल इज प्लास्टिक, मतलब कुछ टेबल प्लास्टिक होंगे ही होंगे, एंड सम प्लास्टिक आर बेंच, कुछ प्लास्टिक बेंच भी होंगे ही। तो अगर आपको ऐसा कभी कंक्लूजन मिल जाए ना, तो आप जो आंसर में स्टेटमेंट्स में ना, डायरेक्ट आप यही स्टेटमेंट्स ढूंढना, यही सेंटेंसेस ढूंढना, क्योंकि जब ऐसे डेफिनेट सेंटेंसेस आ जाते हैं, कंक्लूजन आ जाते हैं, तो वो हमें डायरेक्ट आंसर में मिल जाते हैं। तो अब हमें डायरेक्ट क्या चाहिए, देखिए टेबल इज प्लास्टिक, तो हम यहाँ पे देखेंगे कहीं पे भी टेबल और प्लास्टिक का कहीं अगर हमारा रिलेशन दिया है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑल टेबल आर चेयर, यहाँ पे ऑल चेयर आर बेंच एंड सम बेंचेस आर प्लास्टिक, ऐसे करके दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे सम बेंचेस आर प्लास्टिक, यहाँ पे हमें ये वाला सेकेंड वाला कंक्लूजन तो मिल गया, लेकिन हमें कहीं भी ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन नहीं मिला। कोई भी स्टेटमेंट ट्रू तभी होगा जब ये दोनों के दोनों कंक्लूजन को सही करेगा, तो यहाँ पे हमें नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। ये वाला फिर हम नेक्स्ट वाला चेक करते हैं जिसमें टेबल और प्लास्टिक का कोई ना कोई रिलेशन दिया हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल टेबल इज चेयर, सम चेयर इज बेंच एंड ऑल बेंचेस आर प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं हमको, यहाँ पे देखिए ऑल बेंचेस आर प्लास्टिक, यहाँ हमें प्लास्टिक और बेंच का तो रिलेशन मिल रहा है, लेकिन हमें कहीं टेबल और प्लास्टिक का रिलेशन नहीं मिल रहा है। हमें टेबल और प्लास्टिक का रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो टेबल इज चेयर, नो वाले क्वेश्चन हमने तो छोड़े ही थे, अभी फिलहाल हम दूसरे देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम टेबल इज चेयर, ऑल चेयर आर, यहाँ पे भी टेबल इज चेयर दिया है, ऑल चेयर इज, ऑल चेयर आर बेंच एंड नो बेंचेस प्लास्टिक।
अब इसमें भी नो आ गया, मतलब हम ये वाला भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था कंक्लूजन, सम प्लास्टिक आर बेंच, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक को बेंच होना था, यहाँ पे नो बेंचेस प्लास्टिक बोल दिया, ये वाला तो रॉन्ग है ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या कह रहा है, ऑल टेबल इज चेयर, ऑल चेयर्स आर बेंच एंड ऑल बेंचेस आर प्लास्टिक। यहाँ पे देखिए सारे जो हैं वो ऑल 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 वाले रिलेशंस हैं। ठीक है, अगर हम ये सारे जो हैं यहाँ पे सम और ऑल वाले जो मिला जुला के थे, अगर इनको हम ड्रॉ करते ना, तो हमें ये वाला कंक्लूजन नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब टेबल और प्लास्टिक का डायरेक्ट जो है कनेक्शन नहीं दिया हुआ है किसी में भी, तो आपको ये डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं मिला, लेकिन आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको सारे ऑल ऑल वाले जो ऑप्शंस थे वो मिल गए। अब आप इसको सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करके देखिए। ठीक है, बाकी सब हमने क्यों रिजेक्ट किया था आपको पता है, क्योंकि हमें टेबल और प्लास्टिक का रिलेशन चाहिए था, वो कहीं पे भी डायरेक्टली टेबल और प्लास्टिक का रिलेशन हमें दिख नहीं रहा था किसी भी उसमें ऑप्शन में, तो अब हमने ई वाले में हमें सारे ऑल वाले दिखे, तो अब हम ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑल टेबल इज चेयर। ठीक है, ये मेरा टेबल हो गया, तो ऑल टेबल इज व्हाट, चेयर। फिर कह रहा है ऑल चेयर्स आर बेंचेस, सारे चेयर क्या है, बेंच है, और ऑल बेंचेस आर प्लास्टिक, तो सारे बेंच क्या है हमारे, प्लास्टिक हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे कंक्लूजन क्या था, सम टेबल इज प्लास्टिक, ये जो कुछ टेबल है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक के अंदर है, तो सम टेबल इज प्लास्टिक, ये वाला मेरा सही हो गया। सम प्लास्टिक आर बेंच, तो सम प्लास्टिक आर बेंच, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा बेंच है, तो मेरा ये कंक्लूजन 2 भी यहाँ पे इस वाले से सही हो गया। तो हिसाब से क्या है हमारा, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो होगा सही। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ऐसा करना है कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव हैं तो आपको ऑल और सम वाले स्टेटमेंट्स ही पहले चेक करने हैं, नो नॉट वाले स्टेटमेंट्स नहीं चेक करने हैं, वो आपको पहले हटा देने हैं। तो उस हिसाब से मेरा सी और डी हट गया था, फिर हमारा ए और बी बच रहा था और ई बच रहा था, उस हिसाब से अब हमने चेक चेक किया। अब जब डेफिनेट सेंटेंसेस हैं, हमने ध्यान दिया था कि डेफिनेट सेंटेंसेस है तो हमें डायरेक्ट रिलेशन मिलना चाहिए था, तो डायरेक्ट रिलेशन कहीं से नहीं मिल रहा था, कुछ ऑल थे कुछ सम थे, जैसे हमें टेबल और प्लास्टिक का डायरेक्ट रिलेशन मिलना चाहिए था, कहीं पे वो नहीं मिला, वो जाके मिला हमें सारे जहाँ पे ऑल है वहाँ पे। अगर मान लीजिए आपको ई में भी नहीं मिलता, तब आप जो क्या करते, आप यहाँ पे डायग्राम बना के देखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया और हमने अपना टाइम सेव कर लिया, हमें इतने डायग्राम्स बनाने नहीं पड़े, हमने जस्ट रीड करके कॉमन सेंस यूज करके ही कर लिया है। तो रिवर्स जो होता है सिलॉजिज्म, उसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हुए। अगर इसको हम और डिटेल में देखते ना, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऑल टेबल आर चेयर, सारे टेबल चेयर हैं, सारे चेयर जो हैं वो बेंच हैं। ठीक है, सारे चेयर जो बेंच है, लेकिन कुछ ही बेंच प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि चेयर भी हो जाए। अगर इसको मैं ड्रॉ भी कर दूं, देखिए ऑल चेयर आर बेंचेस, ठीक है, सबको हमने बेंच बना दिया। ठीक है, अब सारे टेबल भी क्या थे, रुकिए इसको टेबल, ये चेयर, और ऑल चेयर आर बेंचेस। अब क्या कह रहे हैं, सम बेंचेस आर प्लास्टिक। ठीक है, अब हम प्लास्टिक को ऐसे बना दें, तो ये टेबल प्लास्टिक बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, इस यही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया कि हमें प्लास्टिक और टेबल के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो सारे जो ऑल वाले रिलेशन होंगे वही वाले हमारे ट्रू होने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए हमने सबसे पहले यही चेक किया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई। अगर आपको कभी भी ऑप्शन में मान लीजिए आपके ऐसे दिया है 1 एंड 2, 3 एंड 4, या 2, 3 एंड 4 ऐसे करके अगर आपको ऑप्शन देता, तब आपको ये जो तीन हमारे जो ऑप्शंस हैं वहां पे आपको तीनों चेक करने पड़ते। लेकिन अगर एक मान लीजिए सिंगल सिंगल ऑप्शन देते था कि ए बी सी डी या ई में से बताओ कौन सा है, तब तो आप ई वाला लगा सकते हैं तुरंत। ठीक है, लेकिन जब ऐसे ऑप्शन अगर ये मिक्स्ड करके ऐसे कंबाइंड ऑप्शन देगा, तब आपको इनमें से कोई मतलब तीनों जिनमें आपको पहले डाउट है आप वो तीनों सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही आप लगा सकते हैं, वरना उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको अनअकैडमी पे पूरा कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है, वो पब्लिश हो चुका है, वहां पे देख सकते हैं। अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मेरा आप नाम सर्च करिएगा, तो आपको एकदम लेटेस्ट जो है वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी इसकी। यहाँ पे जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया है, वहाँ पे मैंने कम से कम 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में वो अवेलेबल है वीडियोस, सो आप वहाँ पे देख सकते हैं। कोर्स का नाम है रिवर्स सिलॉजिज्म,
यही कोर्स का नाम है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे सामने, आपको प्रोफाइल मेरा विजिट करते ही वहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। अभी टाइम बहुत कम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चांसेस है आपके बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। तो जितना भी क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिलता है आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे वीडियोस देखिएगा, वहाँ पे और डिटेल में और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस की हुई है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब कुछ फ्री है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।